हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने सरेंडर कर दिया। 3 साल तक खुफिया रखने वाली रिपोर्ट आखिरकार पब्लिक कर दी गई। मॉडल टाउन में इंसदाद तजावजात ऑपरेशन शहबाज शरीफ की हिदायत पर राणा सनाउल्ला ने किया। 14 अफराद कत्ल हुए, लेकिन पुलिस ने किसके कहने पर फायरिंग की, अफसरान किससे हिदायत ले रहे थे, कोई पुलिस अफसर बताने को तैयार ही नहीं था। मॉडल टाउन रिपोर्ट में इंकशाफ, पुलिस ने गोलियां बरसाकर कानून से बगावत की। ये बगावत सच को दफन करने के लिए थी। जस्टिस बाकर नजफी का रिपोर्ट में तबसरा। ऑपरेशन से कबल एडवोकेट जनरल से कानूनी राय नहीं ली गई। डीसीओ लाहौर को भी तब्दील किया गया। 132 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट किसी को जिम्मेदार ठहराने में नाकाम। इंक्वायरी करने वाले जस्टिस बाकर नजफी ने इख्तियारात न होने का भी शिकवा कर दिया। कहा कि हुकूमत अगर ट्रिब्यूनल को पीटीओ पावर दे देती तो कमीशन हकीकत से पर्दाफाश कर देता। जस्टिस बाकर ने रिपोर्ट के आखिर में लिखा कि जो भी रिपोर्ट पढ़े अपनी मर्जी से नतीजा अक्स करे। ये जो वन मैन इंक्वायरी ट्रिब्यूनल है, इसकी रिपोर्ट किसी भी मुकदमे या इस मुकदमे में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। वजीर कानून पंजाब ने जस्टिस बाकर को चार्जशीट कर दिया। कहा वन मैन कमीशन रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं, गैर मुसद्दिका इतलात पर बनाई गई रिपोर्ट नकायस का मजमुआ है। इसमें ना तो वजीर आला से पूछा गया और ना ही तसादुम के जिम्मेदार किसी एक शख्स की निशानदेही की गई। रिपोर्ट शाये ना करने का मकसद ये था कि इससे फिरकावारियत या इंतशार ना फैले। इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। आला अदलिया के जज साहबान ने आज कानून और इंसाफ का सर बुलंद कर दिया है। उन्होंने मजलूमों की दादरसी की है। सरबरा अवामी तहरीक ने सानेह मॉडल टाउन की कमीशन रिपोर्ट जारी करने के अदालती फैसले को अहम कामयाबी करार दे दिया। ताहिर कादरी कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों इस सानहे के जिम्मेदार हैं। ये दुनिया की किसी भी अदालत में चले जाएं, बच नहीं सकेंगे। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा दिलाएंगे। हमने 2 दफा इनकी जमहूरियत बचाई है। 1 दफा जब ये जाली लेके आए, दूसरी दफा जब इनको जाली खान ने चैलेंज किया था। नून लीग को वक्त से पहले हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। गॉडफादर की जमहूरियत को 2 बार बचाया, लेकिन अब साथ नहीं देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नवाज शरीफ पर वार। बिलावल भुट्टो ने कहा नवाज शरीफ ने आईन में तब्दीली करके अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने हर आमिर का डटकर मुकाबला किया और अलम बगावत बुलंद किया। पीपल्स पार्टी के 50 साल पर इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में बहार। सियासत की गोल्डन जुबली पर जियालों का जज्बा उरूज पर। आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे। स्टेज से आसिफ जरदारी और बिलावल ने भी हाजरीन का वलवला खूब बढ़ाया। के बाहर आई तो उन्होंने फौरन टीडी का दस्तावेज दूसरी बहन में मारा और इसको काबू करके इसकी छुरी गर्दन में फेंक दी। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में लाकानूनी अतकराज। सऊदाबाद के घर में घुसने वाले डाकुओं ने मकीनों की दुनिया उजाड़ दी। उसामत पर 17 साल अलीना की जान ले ली। दूसरी बहन अलवीना के आगे बढ़ने पर उसे भी जख्मी कर दिया।
पुलिस शवाहिद और बयानात की रोशनी में कातिलों की तलाश में मसरूफ। कराची पुलिस की जाफर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम खावर को बचाने की कोशिश। FIR में मुलजिम खावर बरनी की गाड़ी का नंबर गलत दर्ज कर दिया। कत्ले अम को कत्ले खता बनाने की कोशिश भी जारी। दराने हिरासत वीडियो बयान ने भी सवालात उठा दिए। आर्मी चीफ की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जनरल बाजवा ने गैर मुल्की दौरों और मुलाकातों पर कोर कमांडर्स को एतमाद में लिया। कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद और दाखिली और खारजी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मीरान शाह में सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल में धमाका, 6 अफराद जान बहक, 8 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ अहलिया कुलसूम नवाज की तीमारदारी के लिए लंदन रवाना। मरियम नवाज भी वालिद के हमरा लंदन चली गई। नवाज शरीफ को 12 दिसंबर जबकि मरियम नवाज को 15 दिसंबर तक हाजिरी से इस्तस्ना हासिल है। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट से मरियम सफदर और दीगर को जारी चेक्स की तफसीलात पेश। इस्तगासा के गवाह तैयब से जिरह आज भी मुकम्मल नहीं हो सकी। रोज करोड़ों गैलन गंदा पानी समंदर में फेंका जा रहा है। इस मामले पर कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंसानी जानों और मेरे बच्चों की सेहत का मामला है। अफसरान अपना किबला दुरुस्त करें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के माहौलियाती आलूदगी केस में रिमार्क्स। कराची लियारी एक्सप्रेस वे को 1 जनवरी से आवाम के लिए खोला जाए। ऐसा न हुआ तो मुतालिका हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 3 अरब के मंसूबे की लागत 23 अरब रुपए हो चुकी। कोई भी मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। अदालत के रिमार्क्स। भारत सीज फायर की खिलाफ वर्जी बंद करे। ख्वाजा आसिफ का भारतीय हमनसब सुषमा स्वराज से खत में मुतालबा। कहा भारत ने रवा साल 1312 आबादियों पर फायरिंग की जिससे 52 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। ये भी कहा कि भारत बिला इश्तियाल फायरिंग करता है, पाकिस्तानी फौज सिर्फ जवाबी कार्रवाई करती है। ये सारे लोग सिर्फ 4 पुलिस स्टेशन जिसकी आबादी 3 लाख के आसपास भी नहीं होगी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को क्यों रखा गया है? मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौजी ने अपनी ही सरकार की गलत पॉलिसियों का पर्दा चाक कर दिया। कहा कि कश्मीर में कोई दहशतगर्द नहीं। रवा साल 200 कश्मीरियों को दहशतगर्द करार देकर मौत के घाट उतारना भारत की इज्तमाही नाकामी है। कश्मीरियों की हलाकत पर भारत को जश्न मनाने का कोई हक नहीं। समंदरी सरहदों के पासबानों की कराची के खुले समंदर में मशकें। समंदर को आलूदगी से बचाने का अमली मुजाहरा किया गया। मशकों में तुर्की की बतौर मुबसर शिरकत नहीं की, उन्हें फंसाया गया। वजीर आजम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ से इंसाफ दिलाने की अपील कर दी और साथ ही अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया। Thank you.
क्वेटा की ठंडी हवाओं की एंट्री से कराची का मौसम कूल। सर्द हवाओं से शहरी घरों में बैठने पर मजबूर, गर्म कपड़े निकाल लिए। गिलगित और कश्मीर के कोहसारों में भी बर्फबारी, चांदी ओढ़े पहाड़ों ने मंजर मजीद हसीन बना दिया। परवान की हसीन वादियों में मौसम के दिलकश रंग, बारिश के बाद निकलने वाली रेनबो को जिसने देखा कैमरे की आंख में महफूज किए बिना ना रह सका। और टोक्यो की सड़कों पर टिमटिमाती रोशनियों की बहार, दरख्तों और पोल्स पर लगी रंग बिरंगी लाइट्स जिसने देखी देखता ही रह गया। तमाम लाइट्स को इस्तेमाल शुदा तेल से जलाया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पंजाब हुकूमत ने सरेंडर कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर 3 साल बाद सानहे मॉडल टाउन रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल टाउन में इंसदाद तजावजात ऑपरेशन शहबाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्ला ने किया। 14 अफराद कत्ल हुए, लेकिन पुलिस ने किसके कहने पर फायरिंग की, अफसरान किस से हिदायत ले रहे थे, कोई पुलिस अफसर बताने को तैयार ही नहीं था। और मॉडल टाउन रिपोर्ट में कई इंकशाफात सामने आए हैं। बिल्कुल, कई इंकशाफात सामने आए हैं और साथ ही साथ इस ऑपरेशन में पुलिस के किरदार पर भी सवालात उठा दिए हैं। पुलिस ने गोलियां बरसाकर कानून से बगावत की या बगावत सच को दफन करने के लिए की। 132 सफहात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट, इसमें ट्रिब्यूनल किसी को भी जिम्मेदार ठहराने में नाकाम हो गया। इंक्वायरी करने वाले जस्टिस बाकिर नजफी ने इख्तियारात न होने का भी शिकवा किया है। और आपको ये भी बताएं कि जस्टिस बाकिर ने लिखा कि अगर हुकूमत ट्रिब्यूनल को पीटीओ पावर दे देती तो कमीशन हकीकत से पर्दाफाश कर सकता था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिख दिया है इस रिपोर्ट के आखिर में कि जो भी शख्स इस रिपोर्ट को पढ़े अपनी मर्जी से नतीजा अक्स करे। जून 2014 मॉडल टाउन लाहौर मैदाने जंग बना रहा। चौदह लाशें गिरी, मुतादिद जख्मी हुए, कई जिंदगी भर के लिए मफलूज हो गए। 3 साल बाद सानहे मॉडल टाउन की रिपोर्ट मंजरे आम पर आ गई। इतने अरसे बाद भी रिपोर्ट में कुछ भी वाजे नहीं। ऑपरेशन किसके हुक्म पर शुरू हुआ, पुलिस और इंतजामिया को हिदायत कौन दे रहा था, इस कार्रवाई का जिम्मेदार कौन है, रिपोर्ट में इससे मुतालिक कोई तफसील नहीं। जस्टिस बाकर नजफी रिपोर्ट के मुताबिक मिनहाजुल कुरान के दफ्तर के सामने रुकावटें वजीर आला पंजाब के हुक्म पर हटाई गईं। अमला हटाने पहुंचा तो मुश्तैक नौजवानों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने जवाब में फायरिंग कर दी और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। 14 अफराद को जिस्म के अहम हिस्सों पर गोलियां लगी। ये तमाम काम किसी के हुक्म पर किए जा रहे थे, लेकिन वो कौन था ये बात कमीशन को किसी ने नहीं बताई। रिपोर्ट के मुताबिक इस हुक्मनामे का मकसद लाशें गिराकर अपने हदफ की तकमील था। पुलिस ने कानून से बगावत की और ये बगावत सच को दफन करने के लिए थी। हुकूमत अगर ट्रिब्यूनल को पीटीओ पावर दे देता तो कमीशन हकीकत से पर्दाफाश कर देता। जस्टिस बाकिर नजफी रिपोर्ट में सामने आने वाले इंकशाफात अपनी जगह हैं, लेकिन वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्ला ने सानहा मॉडल टाउन कमीशन की रिपोर्ट पर इतराजात के अंबार लगा दिए हैं। बिल्कुल, उनका कहना था कि रिपोर्ट की कोई हकीकत नहीं है, न इसमें सच्चाई का कोई पहलू है। ये पेज 57 है, लाइन 6, इट वाज पेनफुली नोटिस्ड। अब इससे आगे मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि दिस वाज द रीजन इस रिपोर्ट को जो आपने पब्लिक
नहीं किया। There was danger के लिए certain harmony को damage करेगी। ये जो one man inquiry tribunal है, इसकी report किसी भी मुकदमे या इस मुकदमे में उसकी कोई relevance नहीं है। ये report जो है वो to ascertain effects, ये for information होती है। इसका उस केस की FIR, उस केस की investigation, उसकी trial के ऊपर कतई कोई impact नहीं होता। पंजाब हुकूमत ने तो रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दे दिया है, लेकिन डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने सानहे मॉडल टाउन की कमीशन रिपोर्ट जारी करने के अदालती फैसले को अहम कामयाबी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों सानहे के जिम्मेदार हैं, ये दुनिया की किसी भी अदालत चले जाएं बच नहीं पाएंगे, मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दिलाएंगे। हो नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कत्लेआम करवाया हो अपने भाई साहब के हुक्म और इजाजत के बगैर। नवाज शरीफ साहब भी इसमें शरीक है, वो भी सजा पाए। अल्टीमेटली इनका भी खात्मा होगा, इनकी गिरफ्त कमजोर होगी। जब कमजोर होगी तो कानून आजाद, तब इंसाफ का रास्ता खुलेगा, तब इदारों के अंदर अपनी आईन और कानून की दी हुई सलाहियत के मुताबिक आजादी से फैसले करने की इस्तेदाद पैदा। सानहे मॉडल टाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजरेआम पर आ चुकी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का हुक्म किसने दिया, पुलिस एहलकार बताने को तैयार नहीं थे। एहलकारों ने फायरिंग की वजह क्यों नहीं बताई, क्या आला हुकाम का दबाव था या फिर सच को छुपाया जा रहा था? बाकेर नजफी कमीशन की रिपोर्ट ने नए सवालात खड़े कर दिए हैं। सवालात ये हैं कि क्या वजह है कि पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया है, एहलकारों ने फायरिंग क्यों की ये नहीं बताया गया, इसका रीजन क्या था, क्या आला हुकाम ने दबाव डाला था कि पुलिस एहलकारों को ऐसा कुछ नहीं बताने दिया जाए, या फिर खुद एहलकारों ने सच को छुपाने की कोशिश की। बाकेर नजफी कमीशन की रिपोर्ट मंजरे आम पर आ चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट ने बहुत से सवालात खड़े किए हैं। और अब बात करेंगे पीपल्स पार्टी की, जिसने इस्लामाबाद में गोल्डन जुबली जलसा किया। आज बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने वहां पर धुआंधार खिताब किया, दोनों ने नवाज शरीफ पर खूब तीर बरसाए। साबिक सदर कहते हैं कि नून लीग को वक्त से पहले हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गॉडफादर की जमहूरियत को हमने दो बार बचाया, लेकिन अब साथ नहीं देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ को निगरान हुकूमत के आने से पहले ही इक्तदार से अलग हो जाना चाहिए, नवाज शरीफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं रहा, अब जो होगा वोट के जरिए होगा। जबकि बिलावल भुट्टो बोले कि नवाज शरीफ ने आईन में तब्दीली करके अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की, जब भी आमरियत मुसल्लत की गई पीपल्स पार्टी ने अलम बगावत बुलंद किया। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी क्यादत को जाली खान भी करार दे दिया। हमने दो दफा इनकी जमहूरियत बचाई है, एक दफा जब ये जाली मैंडेट लेके आए, दूसरी दफा जब इनको जाली खान ने चैलेंज किया था। अब हम इनकी जमहूरियत नहीं बनाएंगे, नहीं बचाएंगे, नहीं बचाएंगे। तो हो सकता है कि उससे पहले ये आज हार मान ले। हमारी कोशिश ये होगी कि ये उनसे पहले ही हार माने और ये पहले ही पावर छोड़े। मियां साहब ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है, उस गॉडफादर ने जाली खान को बात समझ नहीं आ रही। जब भी इस मुल्क में आमरियत मुसल्लत की गई, जब जब अवाम के हकूक सलब किए गए, तब तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अलम बगावत बुलंद किया। नवाज शरीफ ने भी अमीर और मोमिनीन बनने के लिए आईन में तरमीम करने की कोशिश की। और नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के इस जलसे में मौसीकी का ऐसा तड़का लगा कि जाले झूम उठे। आरिफ लोहार के मुनफरिद अंदाज, आसिफ जरदारी के जज्बात और बिलावल के तासुरात ने भी खूब रंग जमाया। पीपल्स पार्टी का सियासी कॉन्सर्ट, गुलुकार आरिफ लोहार ने जान डाल दी। ढोल की थाप ने सबको नचा दिया, जियालों ने भंगड़े डाले, जियालियों का भी खूब रक्स। महफिल
महफिल मौसीकी के सियासी पिंडाल में टेंशन फ्री जरदारी ने डाली एंट्री। म्यूजिक में जू जू दम डलता रहा, जरदारी साहब का जोश बढ़ता रहा। बिलावल ने भी लंदन ड्रीम्स की तरह सियासी कॉन्सर्ट को फुल एंजॉय किया। मौसीकी, रंग और जोश, तीनों का इंतजाज हुआ तो फिजा भी झूम उठी। अब बात करेंगे नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड की, जिनका कहना है कि नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान है, इसलिए ही उन्हें अस्पताल से निकाला गया। लेकिन 22 करोड़ आवाम का फैसला है कि मेड इन पाकिस्तान ही राज करेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने सवाल किया कि क्या अदालतें परवेज मुशर्रफ को वतन वापस ला सकती हैं। और आजमाइशें हमेशा नेक लोगों पर आती है। नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ साहब, आप मेड इन पाकिस्तान है इसलिए आपको निकाला। अगर आप शौकत अजीज और मोइन कुरैशी होते तो आपको बुला के इख्तदार दिया जाता। और इंशाल्लाह ताला 22 करोड़ आवाम का ये फैसला आ चुका है कि अब पाकिस्तान में राज वही करेगा जो मेड इन पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ अगर मुआहिदा गवर्नमेंट से होना होता तो वो 22 दिन बेचारे धरने पे अपने एहतजाज पे ना बैठे। मुआहिदा कहीं और से हुआ। ये तो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि एनर्जी सेवर लाहौर में लग जाता है, यूपीएस पिंडी में पड़ा होता है। मैं पार्लियामेंट के तकद्दस को पामाल नहीं होने दूंगा एक ग्रेड 19 के अफसर के हाथों जो कि खुद करप्ट है, जिसने यहाँ से फीस अपने एक कज़न को लंदन में दी और वो वहाँ 20 घंटे का काम करता है। वो हमारी इंक्वायरियाँ करके ले गया। और ये भाई इस मुल्क के अंदर क्या जादूगर टूनेगर 20 घंटे सन्यासी बाबू का राज हो गया, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। आज अदालतें क्यों खामोश हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों खामोश है, क्यों नहीं उनको लेके आते, उनको लेके आए, उनको भी मेरी तरह एयरपोर्ट से गिरफ्तार करें, उनको आर्टिकल 6 उनको बुला रहा है, अखियाँ उड़ीकती हैं तो दिल बाजा मारता थे आ जाओ। कैप्टन सफदर ने क्या कहा ये तो आपने जान लिया। अब आपको खबर दें कि शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में नैब इंस्पेक्टर्स के बयान लिए गए हैं। हाजिरी से इस्तिस्ना मिलने के बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर लंदन रवाना हो गए। इस्लामाबाद की नैब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात की समाअत हुई। नवाज शरीफ और मरियम सफदर की जगह उनके नुमाइंदे पेश हुए, जबकि मोहम्मद सफदर ने हाजिर होकर अदालती हाजिरी से 15 रोज का इस्तिस्ना लेने की दरख्वास्त पेश की। लाहौर के निजी बैंक के अफसर मलिक तैयब ने इस्तगासा गवाह के तौर पर बयान कलमबंद कराया और नवाज शरीफ के मुल्की और गैर मुल्की करेंसी वाले अकाउंट्स पर तफसीलात दी और बताया कि अक्टूबर 2012 को नवाज शरीफ ने 3 बार 8 लाख डॉलर्स निकलवाए और पाकिस्तानी रुपए वाले अकाउंट में मुंतकिल किए। अदालत ने जद्दा और दुबई वाली स्टील मिल्स के मुकदमे में इस्तगासा गवाह मलिक तैयब को अगले रोज दोबारा तलब करते हुए समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहम्मद सफदर और दीगर निजी परवाज से लंदन के लिए रवाना हो गए, जहां वो ज़ेरे इलाज कल्सूम नवाज की अयादत करेंगे। और अब डालते हैं सिंध से कुछ अहम अदालती खबरों पर एक नजर। मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एनटीएस टेस्ट के नतीजे बरकरार रखने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने वजीर आला सिंध के दोबारा टेस्ट लेने का नोटिफिकेशन कलादिम करार दे दिया। सेक्रेटरी हेल्थ का इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का नोटिफिकेशन भी कलादिम। अदालत ने 21 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने लियारी एक्सप्रेस वे का मंसूबा 31 दिसंबर तक मुकम्मल करके 1 जनवरी 2018 तक आवाम के लिए खोलने का हुक्म दे दिया। मंसूबा मुकम्मल ना हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले को तहकीकात के लिए नैब को भी भेजा जाएगा। सेशन जज कराची शर्की ने भी इस्लामिया कॉलेज को फौरी खाली कराकर इस्लामिक ट्रस्ट के हवाले करने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत की अपील मुस्तरद। अदालत ने सिविल जज का हुक्म बहाल कर दिया। सिंध हुकूमत ने सिविल अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर रखा था। वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, पहले आपको अहम खबर दें कि कराची में डाकुओं ने सफाकियत की इंतहा कर दी। सऊदाबाद के घर में घुसकर 2 डाकुओं ने उजामत पर 2 बहनों पर छुरियों के वार कर दिए। एक बहन अलीना के गले पर छुरी फेर दी, जिससे वो जान भाग हो गई। आपको ये भी बताएं कि दूसरी बहन अलवीना जख्मी हुई है और अलीना को नमाज जनाजा के बाद सपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है।
छुरी लेके बाहर आई तो उस लोगों ने फौरन टीडी का दस्ता उसकी दूसरी बहन में मारा और उसको काबू करके इसकी छुरी गर्दन में पहनी। कराची में लाकानूनियत अपनी हदों को छूने लगी। सऊदाबाद में डाकुओं के हाथों 17 साल तालिबा कत्ल, बहन को शदीद जख्मी कर दिया। ये अफसोसनाक वाकया सऊदाबाद में पेश आया जहां दो मुसल्ला डाकू एक घर में घुस गए। घर में मौजूद अलीना और उसकी छोटी बहन अलवीना ने डाकुओं के सामने मुजाहमत की। अलीना ने छुरी उठा ली जिस पर मुलजिमान ने उसी छुरी से अलीना को कत्ल कर दिया। 15 साल अलवीना बचाने आई तो डाकुओं ने उसे भी न बख्शा, छुरी मारकर शदीद जख्मी कर दिया। अलीना के गमजदा वालिद का कहना है कि वारदात के वक्त वो घर पर नहीं थे, डाकुओं ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। मकतूला के खालू ने बताया कि अलीना ने मुलजिमान से मुजाहमत की, बुजदिलों ने लड़की को कत्ल कर दिया। मुझे तो उससे टीटीए वगैरह उनके पास थी। जब लड़की ने एक अंदर किचन में काम कर रही थी जो मरी है, जिसकी डेड बॉडी पड़ी है, ये छुरी लेके बाहर आई तो उसने फौरन टीटीए का दस्ता उसकी दूसरी बहन में मारा और उसको काबू करके इसकी छुरी गर्दन में फेंक दी। जितने भी पैसे थे सब ले लगा के लूट लाट के चले गए वो, और अपना सा आला कत्ल भी ले गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान नकाबपोश थे। अलीना के वालिद को हाल ही में विरासत में हिस्सा मिला है। शुबा है कि मुलजिमान अहले खाना को जानते थे। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। कराची के इलाके सऊदाबाद में जाँ बहक होने वाली इस लड़की का घर मातम कदा बन चुका है। अलीना की वालिदा की दुनिया ही उजड़ गई है जबकि दीगर अहले खाना भी गम से निढाल दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फिजान जलीस अलीना ही के घर पर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। तो बताइएगा फैजान, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, घर वालों के क्या तासुरात हैं, क्या कोई मुतालबा किया है उन्होंने? इस वक्त अलीना की जो वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानते हैं किस तरीके से ये वाकया पेश आया था और घर में उस वक्त कौन कौन मौजूद थे। आप बताइए किस तरीके से ये वाकया पेश आया, अलीना जिसको कत्ल कर दिया गया उसके साथ घर में और कौन मौजूद था और दीगर अफराद कहाँ थे घर के? सब, मैं भी जॉब कंपनी में जॉब करते हैं, इनके पापा भी जॉब करते हैं, मेरे बेटे दोनों पेपर देने गए थे, दोनों बहने घर में थी। ये 9:30 के टाइम आए, ये लोग दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने कहा अंकल आप कौन कह रहे बेटा, खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो तो मेरे बच्चे को धक्का देकर अंदर पहुंच गए ये लोग। अंदर चौक में बड़ी वाली बेटी सो रही। अच्छा, इससे पहले कभी कोई वारदात हुई, चोरी हुई, डकैती हुई? कभी भी नहीं हुई। हम लोग, मैं तो 15 साल से किराए पे रह रही हूँ मैं तो खुद। आंटी आपका मुतालबा क्या है हुकूमत से, आला हुकाम से? हुकूमत क्या करेगी, दे देगी मेरी बच्ची, गरीब लोग तो किराए के घर पर कर देगी मेरी मदद। जी बिल्कुल, ये मकतूल अलीना की वालदा है, इनका मुतालबा बिल्कुल यही है कि इनको इंसाफ बिल्कुल फराहम किया जाए। किराए के मकान पे लोग रिहाइश पजीर थे, सुबह सवेरे जो है वो जब ये वाकया हुआ दो मुलजिमान थे जो घर में दाखिल हुए थे, तहां मुजामत की गई और छुरियों के वार करके अलीना को कत्ल किया गया और अलीना की जो बहन थी अलवीना वो इस वक्त जो है वो जख्मी है। तहां पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जबकि जो मकतूला अलीना है उसकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया फैजान आपका हमें सिलसिले में अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जाफर कत्ल केस की तफ्तीश के आगाज में ही नकायस सामने आने लगे हैं जिनसे मुलजिम को फायदा पहुंच सकता है। ये महज गलतियां हैं या मुलजिम को फायदा पहुंचाने की कोशिश, सवालात उठने लगे हैं। काशिफ फारूकी मजीद बताएंगे। जाफिर कत्ल केस की तफ्तीश में संगीन गफलत, पुलिस की गलतियों से मुलजिम को फायदा पहुंचने का इम्कान। तफ्तीश से मुताबिक सामने आए हकायक के मुताबिक एफआईआर में मुलजिम खाबर बर्नी की गाड़ी का नंबर ही गलत दर्ज किया गया है जिससे मुलजिम के खिलाफ केस कमजोर हो सकता है। ये भी मालूम हुआ है कि कत्लेआम के मुकदमे को कत्ले खता बनाने की कोशिश की जा रही है। मुलजिम खाबर के रिमांड के दौरान इसके वीडियो बयान भी सामने आए, हालांकि दौरान हिरासत मुलजमान के बयान जारी कराना गैर कानूनी अमल है। मकतूल जाफिर जुबैरी के अहल खाना भी केस को कमजोर करने के खदशात का इजहार कर चुके हैं। इनका कहना था कि मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल नहीं की गई। जाफिर कत्ल केस जैसे सबका 4 मुकदमात में पुलिस एक भी मुलजिम को सजा दिलाने में कामयाब नहीं हो सकी। जाफिर केस की तफ्तीश पर भी अभी से सवालात खड़े हो गए हैं।